अरे यूपी में काबा, बताइए जरा क्या चल रहा है आपके यूपी में। लेकिन शायद हमसे और आपसे ज्यादा बेहतर नेहा सिंह राठौर बता देती हैं कि यूपी में क्या चल रहा है। सिर्फ बताती ही नहीं है लेकिन यूपी सरकार से सवाल भी करती है। नेहा सिंह राठौर ने पहले भी यूपी में काबा गाने के कई पार्ट्स अपलोड करे और अब नेहा सिंह राठौर फिर से एक नए पार्ट के साथ हाजिर है, वो भी देवरिया मामले में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। देवरिया में जो घटना घटी उसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। कोई सरकार पर सवाल उठा रहा है तो कोई खुद को बुलडोजर विरोधी बता रहा है। तो अब इस मामले में नेहा सिंह राठौर कैसे पीछे रह सकती हैं? नेहा सिंह राठौर ने भी एक गाना बना दिया। अरे बाबा किधर बार बार सोते व्यवहार बार, देवरिया में पीड़ित भैया दोनों परिवार बा। बाबा के दरबार बा सौतेला व्यवहार बा, देवरिया में पीड़ित भैया दोनों परिवार बा। बाबा के दरबार को यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार को वो सौतेला बता रही हैं, यानी पक्षपात करने वाला बता रही हैं। और उदाहरण के तौर पर देवरिया वाली घटना को भी हाईलाइट किया है। अरे बुलडोजर के न्याय से बाबा दसवा नाही सहमत बा, बुलडोजर के न्याय से बाबा दसवा नाही सहमत बा, न्याय करे न्यायालय बस अब यही में सबके जनमत बा। अरे स्टैंजा की बात करें तो इसमें नेहा गाकर ये कह रही हैं कि बुलडोजर के न्याय से बाबा देशबा नहीं सहमत बा, न्याय करे न्यायालय अब बस यही में सबके जनमत बा। यानी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का न्याय करने का तरीका बुलडोजर चलवाने वाला है उससे देश खुश नहीं है और अब न्याय न्यायालय करे इसी में सबकी सहमति है। आपको बता दें कि देवरिया जिले में रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को जमीन के विवाद में एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी। इस बात से गुस्साए पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर पति पत्नी और उसकी 3 संतानों को गोली मारकर और धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी, जबकि एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर कई लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई थी जिसमें अखिलेश यादव शामिल थे और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान सामने आया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत और इन तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।